भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि वाल्मीकि जी महाराज ही कलयुग में तुलसीदास बन के आएंगे और अपने ही रामायण को जन सामान्य की भाषा में लिखेंगे। तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर बैठे हुए थे और चंदन घिस रहे थे। ध्यान दी, अरे तो भगवान राम के लक्ष्मण के चरणों में गिर गए। भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दिया तो तुलसीदास जी वो आशीर्वाद प्राप्त करके लिखने लगे रामायण। तो संस्कृत में लिख रहे थे। अब वो सुबह लिखे और शाम तक वो अक्षर सब गायब होते चले जाएं। शंकर जी ने आके कहा कि तुम संस्कृत में क्यों लिख रहे हो। उनको स्वप्न में कहा, तुम संस्कृत में लिखोगे तो सब लोग समझेंगे कैसे। तो तुलसीदास जी ने जो सामान्य भाषा में लिख दिया, परिणाम स्वरूप वो रामायण सबके पास पहुंची। कथाएं आती हैं कि पंडितों को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने उनके ऊपर मारक प्रयोग किए, रात को मारने के लिए चले गए और जाते थे तो देखते थे कि दो लोग वहां पर उनको रोके हुए, उनकी रक्षा कर रहे हैं। किसी ने उनकी रामायण को चोरी करने की स्कीम बनाई, किंतु वही बात थी कि राखे कृष्ण मारे के वो रामायण धीरे 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 विख्यात होती चली गई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का एक विशेष योगदान रहा भक्ति युग में, और उसी रामचरितमानस को पढ़ते 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 कितने लोगों ने अपना कल्याण किया और उसके माध्यम से तत्व ज्ञान प्राप्त किया। आज एक महान विभूति के पास जा रहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिनकी रामचरितमानस ने त्रैलोक्य को ही पावन किया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म सन 1556 में हुआ। एक राजापुर नाम का छोटा सा गांव था यमुना जी के तट पर। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलासी देवी। आत्माराम दुबे विद्वान पंडित थे और राजा के पुरोहित थे एवं गांव के मुखिया भी थे, किंतु कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। तो कुछ वर्षों के पश्चात तुलसीदास जी का जन्म हुआ। आत्माराम दुबे ने बड़े उत्सव का आयोजन किया। उत्सव जो चल रहा था वहां पर दासी आई और कहने लगी कि ये बच्चा कुछ अलग टाइप का है। पहली बात तो ये कि सब बच्चे जब पैदा होते हैं वो रोते हैं, लेकिन इसने बाहर निकलने पर राम 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 कहा। दूसरी बात ये, मैंने जब नाड़ा काटा तो शंख की आवाज आई। और तीसरी बात ये, अपने दांतों के साथ ही पैदा हो गया। तो आत्माराम दुबे भी आश्चर्यचकित हुए, जाकर देखा कि ये दासी तो सही कह रही है। वहां पर जो मेहमान लोग आए हुए थे
उन्होंने सलाह दी कि ये हो सकता है कोई राक्षस आ गया। आत्माराम दुबे ने कहा, मेरे भी ऐसे खराब कर्म हैं, पता नहीं कौन सा राक्षस आ गया होगा मेरे घर में। तो आत्माराम दुबे को सलाह दी लोगों ने कि 3 दिन आप प्रतीक्षा करें, कोई उत्सव न मनाएं। ऐसे बच्चे अक्सर जीवित नहीं रहते, यदि जीवित रह गए तो उत्सव मना लेना। तो आत्माराम दुबे ने सब खुशी इत्यादि को रुकवा दिया। यहां 3रे दिन से पहले मां की मृत्यु हो गई, किंतु तुलसीदास जी की मां समझ गई, मैं तो जाने वाली हूं और लोग मेरे बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। तो वो दासी जो थी चुनिया देवी, उसको दे दिया बच्चा और कुछ हीरे जवाहरात की, जाओ तुम इसका भरण पोषण करना। चुनिया देवी तुलसीदास जी को अपने गांव ले गई हरिपुर। उसकी सास बहुत खुश कि ये बच्चा आया है, मेरी बहू ने पुण्य किया है इसको पालकर। तो वहां पर वो बड़े होने लगे, किंतु 5 वर्ष के हुए तो चुनिया देवी को एक सांप ने आकर काट लिया। तो अब गांववासी परेशान कि पहले तो मां की मृत्यु हो गई, अब जो देखभाल करने वाली थी उसकी भी मृत्यु हो गई। तो आत्माराम दुबे को मैसेज भेजा कि आप अपने पुत्र को वापस ले जाइए। आत्माराम दुबे ने कहा, ऐसी अशुभ आत्मा जिसने अमंगल दोनों जगह कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने इनकार कर दिया, गांववासी भी दूरी रखने लगे। अब बेचारे बालक तुलसीदास 5 साल के क्या करें, वो गांव में घूमते थे, कभी भोजन मिले अधिकांश न मिले। तो मां पार्वती जानती थी बालक के संस्कार, मां पार्वती अपना भेष बदल के आके उनको भोजन करा देती थी। जब ये होने लगा तो तुलसीदास जी गांव में घूमना बंद कर दिए, भोजन तो यही आ जाता। गांव वासियों ने कहा, इसको भोजन मिलता कहां से है, जरूर कुछ ना कुछ मामला है, अब ये घूमने जाता नहीं है गांव में। तो गांव वासियों ने खोज की और 1 साल के बाद पाया, एक स्त्री आके देती है। तो पूछा, तुम कौन हो? पार्वती जी ने उत्तर तो दिया नहीं, लेकिन वो गायब हो गई। गांव वासियों को संदेह हुआ कि कोई दिव्य पर्सनालिटी आती, अलौकिक पर्सनालिटी। तो पार्वती जी उसके बाद उन्होंने आना बंद कर दिया। अब तुलसीदास जी फिर से भूखे, तो पार्वती जी दुखी हो गई, हम इनकी सहायता नहीं कर पा रहे। उनके दुख को देखकर शिव जी के मन में प्रेरणा आई। तो एक संत थे नरहरिदास, वे चित्रकूट में रहते थे। शिव जी ने उनको दर्शन दिए और कहा, देखो ऐसे एक बालक है, वो कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं है, तुम उसको जाके ले आओ और उसको पढ़ाओ लिखाओ, भविष्य में ये बहुत बड़ा काम करने वाला है। तो नरहरिदास शंकर जी का दर्शन और आदेश पाके बड़े प्रसन्न हुए। वो चित्रकूट से प्रसाद लेकर पहुंचे हरिपुर, बालक मिला और पहले तो तुलसीदास जी को प्रसाद दिए। वो बालक तो रोने लगा क्योंकि उसने कुछ दिनों से खाना ही नहीं खाया था। नरहरिदास अपने साथ अयोध्या ले गए। अब अयोध्या में उसको कुछ पढ़ाएं, तो उस बालक की स्मरण शक्ति इतनी थी, वो सुन के याद कर लेता था। नरहरिदास बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन
तुलसीदास जी ने अपनी जीवन कथा बताई, कैसे उनके 5 साल बीते, प्रारंभ में चुनिया देवी के पास, पश्चात गांव में भटकते भटकते। तो उनकी कथा सुन के संत नर हरिदास को रोना आ गया और नर हरिदास ने तुलसीदास जी को रहस्य उद्घाटन किया कि वो जो स्त्री आके देखभाल कर रही थी वो माँ पार्वती ही थी, क्योंकि शंकर जी ने मुझे आदेश दिया कि जाके तुमको ले आऊं। तो तुलसीदास जी जब सुने तब से वे शिव और पार्वती के इतने बड़े भक्त बन गए। तो ये लोग अयोध्या से एक शुक्र क्षेत्र गए और वहां उनको इतना अच्छा लगा कि 5 साल तक वहां पर रहे। पश्चात नर हरिदास की इच्छा थी कि हम इसको विद्वान बनाएं ताकि ये अपना कार्य भविष्य में कर सके। नो नर हरिदास तुलसीदास जी को काशी ले गए। काशी में एक बहुत बड़े संत थे सनातन, उनके सानिध्य में रहने लगे। जब दोनों नर हरिदास और सनातन के बीच में वार्तालाप होता था तो तुलसीदास जी बैठ के सुनते थे। एक दिन सनातन ने कहा, बेटा तुमने क्या सुना? तुलसीदास जी ने अक्षर अक्षर उसको दोहरा दिया। सनातन बहुत प्रभावित हुए, ये बालक में पोटेंशियल है। तो सनातन ने अनेक उनके शिष्य थे, आश्रम था, उनकी इच्छा थी कि कोई अपना उत्तराधिकारी तैयार करे और उनने कहा ये लड़का बिल्कुल सही है। तो नर हरिदास से कहा इसको हमें सौंप दो। नर हरिदास की तो इच्छा थी ही, उनने कहा रखिए। 15 वर्ष तक तुलसीदास जी का शिक्षण सनातन के चरण कमलों के सानिध्य में हुआ। वहां पर उन्होंने सब शास्त्रों को पढ़ा। इसलिए आप पाएंगे कि उनके रामचरितमानस में डायरेक्ट उपनिषदिक मंत्रों के अनुवाद हैं। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सश्रणोत्य कर्ण, डायरेक्टली तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना। तो वो सब विद्वत्ता 15 वर्ष वहां पर वे प्राप्त किए और एक वृक्ष पर भूत रहता था जो गुरुकुल में विद्यार्थी रहते थे उससे परेशान होते थे। उस समय तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा कि इसको पढ़ा करो तो कोई भूत से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सनातन ने उनके रामायण अध्ययन की भी अच्छी व्यवस्था कर दी। किंतु 15 वर्ष के पश्चात अब गुरुजी सनातन का शरीर शांत हुआ। तुलसीदास जी उनके वियोग में अत्यंत दुखी हुए तो अपने गुरु नर हरिदास के सानिध्य में जाने की इच्छा हुई। जब वे पहुंचे अयोध्या तो पता चला कि नर हरिदास भी संसार से जा चुके थे। वे अपने को अनाथ अनुभव करने लगे। तो उनका जो शहर था, जन्म स्थान राजापुर, वहां पहुंचे। वहां पता लगा कि उनके पिता और पूरा परिवार और कुल सबके सब मर चुके। तो किसी ने कहा कि इनको एक साधु ने श्राप दे दिया कि आपने ऐसे संत बालक का तिरस्कार किया तो हम आपको श्राप दे रहे हैं और उसी कारण से पूरे का पूरा कुल ही खत्म हो गया। तुलसीदास जी अब बेचारे दुखी तो हुए लेकिन वे राजापुर में रह के सत्संग करने लग गए। तो नदी के दूसरे तरफ एक ब्राह्मण रहता था, उसकी
कन्या थी और वो ब्राह्मण तुलसीदास जी को देखकर मन से उनको दामाद के रूप में सेलेक्ट कर चुका था कि मेरी कन्या के लिए ये ही उचित वर हैं। तुलसीदास जी की ऐसी कोई मंशा ही नहीं थी, उन्होंने इनकार कर दिया। तो ब्राह्मण हठ करने आ गया, उसने अनशन कर दिया, जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे मैं भोजन ही नहीं करूंगा। वो विवश था और तुलसीदास जी का हृदय द्रवित हो गया। तो ये हृदय की कोमलता भी कभी कभी दोष बन जाता है। हृदय को संसार में कठोर बनाओ, भगवान के यहां गुरु के यहां कोमल बनाओ, वहां पर पिघल जाए और संसार में वज्र के समान कठोर, वज्रादपि कठोरानी मृदुनी कुसुमानी। तो उनका हृदय जो पिघल गया, ये तो बोल रहा है कि मैंने अनशन कर लिया है। तो तुलसीदास जी ने विवाह के लिए अनुमति दे दी। तो विवाह हुआ, विवाह के बाद तो तुलसीदास जी उसमें मुग्ध हो गए। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉल हेड ओवर हील्स इन लव। बस अब उनको एक ही चीज सूझने लगी, वो रत्नावली। अब एक दिन तुलसीदास जी को किसी काम से बाहर जाना था, तो रत्नावली के भाई आए कि चलो जाके मिल तो लो ना माता पिता से। वो ले गए रत्नावली को। तुलसीदास जी वापस आए तो देखा कि पत्नी नहीं है। अब वो बहुत नाराज हुए, क्रोधित हुए। तो बारिश हो रही थी जबरदस्त। उन्होंने कहा बारिश क्या कर सकती है, प्रेम को कोई नहीं रोक सकता। तो बारिश को सहन करते करते पहुंचे नदी तक। अंधेरा हो गया था, रात्रि का समय था, वहां पर तो कोई नाविक था ही नहीं। तुलसीदास जी ने कहा मेरा भी आज अच्छा सौभाग्य है, एक लकड़ी तैरते हुए जा रही थी। उन्होंने कहा ठीक है, उसको पकड़ के और उसकी सहायता से वे तैरते हुए दूसरे तट पर पहुंचे। अब पहुंचे तो दो मंजिला घर था। तुलसीदास जी तो दामाद हैं, अगर वो सामने से जाएंगे उनका स्वागत सत्कार होगा, आइए आइए। लेकिन वो इतने व्याकुल थे, उनके मन में कुछ सूझा ही नहीं कि साहब वहां से भी जा सकते हैं। उनको एक ही लक्ष्य दिख रहा था, रत्नावली रत्नावली रत्नावली। तो उन्होंने देखा कि ऊपर से एक रस्सी लटकी हुई। अब उसे पकड़ के वे कूद के और अंदर खिड़की से अंदर आ गए। पत्नी चौंक गई कि आप स्पाइडरमैन तो हैं नहीं, ये आपकी इतनी ड्रामेटिक एंट्री यहां हो कैसे गई। तुलसीदास जी ने कहा कि मेरा लकी डे है, तुमको पता था मैं आने वाला हूं, इसलिए तुमने वहां पे रस्सी लटकाई हुई थी। रत्नावली ने कहा मैंने तो कोई रस्सी लटकाई ही नहीं थी। तो देखा और एक सांप वहां से जा रहा था। रत्नावली उसको देखकर कुपित हुई, अरे इसको आपने रस्सी बांध लिया और नदी पार कैसे किए। तुलसीदास जी ने कहा लकड़ी तैर रही थी, मैं देखो मैंने वो तट पे उसको लगा दिए। रत्नावली ने ध्यान दिया, वो लकड़ी नहीं थी, वो लाश थी। तो रत्नावली ने डांट लगाई। अब चाहे कहें रत्नावली ने डांट लगाई या भगवान राम ने रत्नावली के माध्यम से तुलसीदास जी को डांट लगाई, रत्नावली ने कहा ये हाड़ मांस का शरीर, मल मूत्र का पिटारा, इसमें आपकी इतनी आसक्ति है कि आपको इतना भी पता नहीं चला कि ये लकड़ी नहीं है लाश है और वो रस्सी नहीं है सांप है। अगर आप ऐसे ही मन श्री राम के चरणों में लगा देते तो आप
अनंत काल के लिए मालामाल हो जाते। तो रत्नावली ने जो डांट लगाई, तुलसीदास जी तुरंत चौंक गए, सारा उनका शास्त्र ज्ञान मन में आ गया। उनने कहा मैं तो गड़बड़ में पड़ गया था। उन्होंने वहीं पर संकल्प लिया कि अब राम के चरणों में ही मन को लगाऊंगा। वहां से वो अबाउट टर्न होके निकले तो रत्नावली का भाई आया, अरे 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 कहाँ जा रहे हैं, वापस तो आइए ना। वो कुछ सुनने को तैयार नहीं। और कथा बताती है कि रत्नावली ने मुंह से तो बोल दिया था लेकिन उसकी तो आसक्ति थी। और पति जब तुलसीदास चले गए तो रत्नावली उनके शोक में, उनके दुख में उसने अपने प्राण त्याग दिए। यहां पर तुलसीदास जी भ्रमण करने निकले, जगन्नाथपुरी पहुंचे। श्री मंदिर के इतिहास में वर्णन है तुलसीदास जी भी यहां पर आए, जैसे कबीरदास जी आए थे। तो यहां पुरी में उनको वाल्मीकि रामायण की लिपि मिली, उसके उन्होंने कॉपी कर ली अपने लिए। और फिर जगह जगह गए, प्रयाग पहुंचे, मानसरोवर गए, कैलाश गए। वो कई वर्षों तक यात्रा भ्रमण किए और साथ ही साथ उनकी साधना भी परिपक्वता तक आती जा रही थी। क्योंकि भाई इतना ऐसा उनको कार्य करना है तो उसके लिए भी उनको योग्यता प्राप्त करनी होगी। अतः लास्ट में वो चित्रकूट पहुंचे। तो चित्रकूट में वे सत्संग कर रहे थे। किसी ने उनको बता दिया कि आपके सत्संग में तो हनुमान जी आते। तो उनने कहा मुझे दिखते तो है नहीं, वो आते हैं। वो कुष्ठ रोगी के भेष में आते। तो तुलसीदास जी ने कहा अच्छा। उसने कहा कि आप देखना, कल ध्यान देना। तो अगले दिन जब कथा पूरी हुई, तुलसीदास जी वहीं बैठे रहे। एक एक करके भक्त लोग वहां से प्रस्थान कर रहे थे और लास्ट में कुष्ठ रोगी रह गया था। तुलसीदास जी उसके चरण पकड़ के रोने लगे, हनुमान जी अपने को प्रकट कीजिए, कृपा कीजिए। हनुमान जी प्रकट होके और उनको आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा क्या चाहिए तुमको? तुलसीदास जी ने कहा कि और क्या चाहिए, केवल राम के दर्शन ही तो चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा होंगे। तुलसीदास जी चित्रकूट में रहने लगे। मंदाकिनी नदी वहां से बहती है और घाट पे मंदिर इत्यादि भी है। तो एक दिन तुलसीदास जी ने देखा कि दो अति सुंदर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं। तो ये भगवान के दर्शन भी अलग अलग प्रकार के होते। एक तो जैसे वो फ्लैश लाइट ऐसे घूमती है ना, तो बस थोड़ा सा दर्शन दे के चले गए। अरे एक दो मिनट आपके सामने खड़े होके चले गए। तो तुलसीदास जी को फ्लैश लाइट के जैसे जा रहे हैं, चले गए। तो पश्चात हनुमान जी आए, हुए दर्शन। तुलसीदास जी ने कहा कौन? अरे आए तो थे। ओहो मैं तो मिस कर गया, बड़ी गड़बड़ हो गई। हनुमान जी ने कहा मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया, तुमने जो मांगा था मैंने दर्शन करा दिए। तुलसीदास जी ने कहा एक चांस और दे दो। तो हनुमान जी ने कहा ठीक, अब की बार मिस मत करना। तो वे घाट पर बैठे हुए थे और चंदन घिस रहे थे और लोग आके टीका लगवा रहे थे। तुलसीदास जी एक एक पर टीका लगाते जा रहे थे। अब वहां पे राम और लक्ष्मण भी आ गए, लाइन में खड़े हो गए तुलसीदास जी से टीका लगवाने के लिए।
तो जैसे वो सामने आए, अब हनुमान जी ने कहा कि ये फिर से मिस कर जाएंगे, फिर कहेंगे हमको तो पता ही नहीं चला। तो हनुमान जी वृक्ष पर बैठे बैठे दोहा सुना दिए, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तो ये दोहा हनुमान जी ने सुनाया, तुलसीदास जी ने सुना, ध्यान दी, अरे तो भगवान राम के लक्ष्मण के चरणों में गिर गए। भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है दर्शन तो हो गए, लेकिन अब तुमको काम करना है। तो तुलसीदास जी वो आशीर्वाद प्राप्त करके लिखने लगे रामायण, तो संस्कृत में लिख रहे थे। अब वो सुबह लिखे और शाम तक वो अक्षर सब गायब होते चले जाएं, फिर सुबह लिखे फिर वो गायब हो जाए अक्षर। तो जितनी बार वो लिखे और कभी वो रात को सोए, अगले दिन सुबह देखें अक्षर गायब हो रहे हैं। 4-5 दिन तक ये चला, उनने कहा भी मामला क्या है, कि स्याही खराब है, समस्या क्या। शंकर जी ने आके कहा कि तुम संस्कृत में क्यों लिख रहे हो, उनको स्वप्न में कहा। तुलसीदास जी ने कहा सबने तो संस्कृत में लिखा है। शंकर जी ने कहा ये जरूरी थोड़ी है कि जो सबने किया है वही तुमको भी करना है, तुम संस्कृत में लिखोगे तो सब लोग समझेंगे कैसे। ये 18 पुराण में एक भविष्य पुराण है, वो भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि वाल्मीकि जी महाराज ही कलयुग में तुलसीदास बन के आएंगे और अपने ही रामायण को जन सामान्य की भाषा में लिखेंगे। तो उससे पहले रामायण ब्राह्मणों की मोनोपोली होती थी, क्योंकि वो संस्कृत जानते थे। अब बाकी लोग क्या करें, आप पंडित जी के पास जाओ वो रामायण सुनाएंगे। तो तुलसीदास जी ने जो सामान्य भाषा में लिख दिया, परिणाम स्वरूप वो रामायण सबके पास पहुंची। तो ये उनका ट्रायल एरर चलता रहा चित्रकूट में, पश्चात वे पहुंचे अयोध्या, और अयोध्या में सन 1631 की रामनवमी पर उन्होंने शुरू किया अपनी रामचरितमानस, और कथा बताती है कि उनको लगभग 2.5 साल लगे लिखने में। अब इतना बृहद ग्रंथ 2.5 साल में लिख डाले, यही एक अलौकिक चीज है। तो जब वो रामायण पूरी हुई उनकी, देवी देवता लोग आए, गणेश जी को इतनी पसंद आई रामायण कि वे उसकी एक कॉपी बना के अपने साथ स्वर्ग ले गए। यहाँ पर महात्मा लोगों को पता चला, वो भी उसकी कॉपीज बनाने लगे। कथाएं आती हैं कि पंडितों को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने उनके ऊपर मारक प्रयोग किए, रात को मारने के लिए चले गए और जाते थे तो देखते थे कि 2 लोग घोड़े पर सवार वहां पर उनको रोके हुए, उनकी रक्षा कर रहे हैं। किसी ने उनकी रामायण को चोरी करने की स्कीम बनाई, किंतु वही बात थी कि राखे कृष्ण मारे के वो रामायण धीरे 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 विख्यात होती चली गई। तो तुलसीदास जी ने उस मात्र रामचरितमानस नहीं लिखी है, उन्होंने और ग्रंथ भी लिखे हैं। विनय पत्रिका, मो सम कौन कुटिल खल कामी, उन्होंने सीता मंगल लिखा है, पार्वती मंगल लिखा है, दोहावली लिखी है, उसके अतिरिक्त भी अनेक कविताएं, भजन पद इत्यादि लिखे। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक विशेष योगदान रहा
भक्ति युग में, और उसी रामचरितमानस को पढ़ते 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 कितने लोगों ने अपना कल्याण किया और उसके माध्यम से तत्व ज्ञान प्राप्त किया। सुनहु राम कर सहज सुभाव, जन अभिमान न राखहि गाउ। सुनहु राम कर सहज सुभाव, जन अभिमान न राखहि गाउ। सुनहु राम कर सहज सुभाव, जन अभिमान न राखहि गाउ। सुनहु राम कर सहज सुभाव, जन अभिमान न राखहि गाउ। सुनहु राम कर सहज सुभाव, जन अभिमान न राखहि गाउ। सुनहु राम कर सहज सुभाव, जन अभिमान न राखहि गाउ। यद्यपि प्रथम दुख पावै रोवै बाल धीर, व्याधिनाश हित जननी, गणति न सो शिशुपी। यद्यपि प्रथम दुख पावै रोवै बाल आधिनासरित जननी, गणति न सो शिशुपी। कितना सुंदर तत्व ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान का ऐसा स्वभाव है कि किसी में अभिमान देखते हैं तो व्यवस्था कर देते हैं उसके अभिमान को नष्ट करने के लिए। जैसे माँ अगर अपने बच्चे पर फोड़ा देखती है तो माँ फिर एक ब्लेड लेके, छुरी लेके और उसको काट देती। बच्चा रोता है, ओ मम्मी बड़ी खराब हो, लेकिन माँ बच्चे के रोने पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसको पता है कि ये फोड़ा मेरे बच्चे को परेशान करेगा, इसको काट देना ही अच्छा है। ऐसे ही जहाँ पर भगवान अहंकार रूपी फोड़ा देखते हैं वे भी उसे नष्ट करने की व्यवस्था कर देते हैं। यद्यपि जीव भले उसको गुस्सा आए, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान बड़े खराब हैं, भगवान मेरी देखभाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान जानते हैं इस समय फोड़े को नष्ट करना ही ठीक। सो दासी रघुबीर की समझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहु पद रूपी। सो दासी रघुबीर की समझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहु पद रूपी। सो दासी रघुबीर की
समझे मिथ्या सोपि छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहु पद रूपि अद्वैत वेदांत का खंडन कर रहे हैं। अद्वैती लोग कहते हैं कि ब्रह्म सत्ता मात्र है, उसकी कोई शक्ति नहीं, अव्यक्त शक्ति रहित ब्रह्म। अब कोई कहे साहब ये संसार ये सब शक्ति तो है, वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो मिथ्या है, तुम्हारे मन का भ्रम है, तुम अज्ञानी हो इसलिए तुमको संसार अनुभव में आ रहा है। जब ज्ञान में आ जाओगे तो संसार खत्म हो जाएगा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो माया है ना, ये भ्रम नहीं है, ये भगवान की शक्ति है, भगवान की दासी है। इसलिए जितना भी तुम अहम ब्रह्मास्मि रटते जाओगे ये माया नहीं जाएगी, जब तक राम जी कृपा नहीं करेंगे। उसी को और आगे समझाते हैं कितने बढ़िया ढंग से। राका पति षोडस उही तारागण समुदाय सकल गिरिन दबलाय बिनु रवि रात न जाए। राका पति षोडस वही तारागण समुदाय सकल गिरिन दबलाय बिनु रवि रात न जाए। पति षोडश हुही तारागण समुदाय सकल गिरिन दव लाय बिनु रवि रात न जाय। जैसे अगर रात्रि हो और हम कहे हमें रात्रि को मिटाना है तो क्या करें? अगर आप कहो भाई सब लोग दीपक चला दो अपने घर में तो उससे बढ़िया इल्यूमिनेशन होगा लेकिन रात्रि नहीं जाएगी। और यदि आकाश में सब तारागण खिले हो, कोई भी बादल न हो, चंद्रमा भी 16 कलाओं में स्थित हो, तो राका पति षोडश वही तारागण समुदाय सकल गिरिन दवलाय रवि बिनु रात न जाए। वो जब तक रवि सूर्य नहीं आएगा ये रात नहीं भागने वाली है। इसी प्रकार से ये जो माया है अंधकार रूपी, इसको भगाने का एक ही तरीका है, जितना भगवान को अपनी चेतना में लाओगे उतना ही ये अंधकार रूपी माया जाएगी। तो इसी को गौरांग महाप्रभु ने कहा है, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार।
यहाँ कृष्ण तहाँ माया नहीं अधिकार। गुरु बिनु भवन दी न कोई जामिरांची सम गुरु बिनु भवन दी तरइन कोई जो मेरांची शंकर सम होई। गुरु बिनु भवन दी तरइन कोई जो मेरांची शंकर सम होई। संत विशुद्ध मिलही परिताई चित्त वही राम कृपा करी दे। संत विशुद्ध मिलही परी तेरी चित्त वही राम कृपा करी दे। वचन विश्वासा संयम यहन विषय के आसा। सद्गुरु वेद वचन विश्वासा संयम यहन विषय के आसा। बिना गुरु के ब्रह्मा सरीखा भी कोई हो वो इस भाव सागर को पार नहीं कर पाएगा। कोई भी हो अब जो विरंची शंकर, शंकर जी और ब्रह्मा का नाम ले लिए तो क्यों जी, क्या शंकर जी को भी गुरु की आवश्यकता है? वो कवि लोग थोड़ी लिबर्टी ले लेते हैं अपने साहित्य अलंकार में, बोलना चाहते इतनी बड़ी पर्सनालिटी हो उसको भी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो उपमा देने की दृष्टि से वो शंकर जी का नाम ले लिए हैं कि शंकर ब्रह्मा के बाप हो उनको भी गुरु चाहिए होगा, फिर नर पामर कर केतक की बाता। लेकिन वो गुरु कैसे मिलेगा तो कह रहे हैं कि जब राम कृपा करेंगे तब गुरु मिलेगा। ये नारद जी ने अपने भक्ति दर्शन में पहले तो कह दिया कि मुख्यतस्तु महत कृपयैव, ये भक्ति गुरु की कृपा से मिलेगी। लेकिन फिर कहा कि ये गुरु को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। महत संगस्तु दुर्लभो गम्यो मोघश्च, फिर अगले सूत्र में कहते लभ्यते पि तत्कृपयैव, ये गुरु भी भगवान की कृपा से ही मिलता। अब गुरु मिल जाए इससे भी काम नहीं बनता है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, वो सद्गुरु जो है वैद्य के समान, तो वैद्य के वचन पर विश्वास करना पड़ता। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि आपके पास बुद्धि नहीं है, मेडिकल साइंस में नॉलेज नहीं है, न डायग्नोसिस जानते हैं न दवा उनका लाभ जानते हैं, तो जो विशेषज्ञ है डॉक्टर उसके पास जाते और डॉक्टर के प्रति बुद्धि को समर्पित करना पड़ता। अब अगर अपनी बुद्धि से चलेंगे तो डॉक्टर के पास जाने का क्या लाभ? डॉक्टर ने कहा कि हमने रोग को पकड़ लिया है, ये दो बूंद दवाई लेना, दो टेबलस्पून पानी में तीन बार दिन में एक मास के लिए ठीक हो जाओगे। डॉक्टर ने तो इलाज बता दिया। मरीज ने कहा अरे डॉक्टर शायद ठीक जानते नहीं है, एक मास में ठीक होने के लिए बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा लो, मैं सारी दवाई आज ही ले लेता हूँ, एक दिन में ठीक हो जाऊंगा।
तो उसने सारी दवाई आज ले ली, अब ठीक होने के बजाय तो सभी गड़बड़ हो गया। तो डॉक्टर के प्रति बुद्धि समर्पित होती है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु विशेषज्ञ है। गुरु ने हमको बता दिया ऐसा 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 ऐसा, हमने उसको समझ लिया, स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पे विश्वास की आवश्यकता होती। आत्मा है कैसे पता? अब आप कहें हर चीज का पहले प्रमाण मिले तो साइंस में भी नहीं होता है। साइंस में भी कहते हैं भाई एक पोस्टुलेट पहले मान लो और एक्सपेरिमेंट शुरू करो, बाद में फिर प्रमाण सामने आ जाएगा। तो यहां पर भी विश्वास यानी बुद्धि का समर्पण, वैसे साधना करते चले जाओ और आगे जाके अनुभूति होगी। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाव, मोह गए बिनु राम पद, होइ न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाव, मोह गए बिनु राम पद, होइ न दृढ़ सत्संग करने से मोह अज्ञान जाएगा और मोह के जाने से ही भगवान के चरणों में अनुराग होगा। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।